बिहार किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण कुमार झा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन अपने आवास किया। हवाई धरना में मीडिया से रूबरू होते हुए लक्ष्मण कुमार झा ने बताया कि सुपौल जिले के लोखा थाना प्रभारी की अभिलंब तबादला हो या नहीं तो लोखा थाना प्रभारी जवाब दे कि वर्षों पूर्व दर्ज केस नंबर 532/20 में अभी तक एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। या तो पैसा के बल पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं या अन्यथा किसी बड़े नेताओं के दम पर आए दिन निर्दोष युवाओं को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम करते हैं थानाध्यक्ष, जो कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिपोर्टर कुणाल कुमार, सुपौल, बिहार। एक वर्ष पूर्व हमने 532/20 केस दर्ज करवाए थी, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, इसके अभी तक एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि चाहे बड़े नेताओं के दम पर गिरफ्तारी नहीं हुई है या नहीं तो जिस पर हमने एफआईआर किया जो अभियुक्त है उनसे पैसा लेकर के उनकी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होती है। हमारी मांग है अभिलंब अभियुक्त की गिरफ्तारी हो और ऐसे थाना प्रभारी का तबादला हो। अगर तबादला नहीं होती है और अभियुक्त की गिरफ्तारी एक हफ्ते के अंदर नहीं होती है, हमारी मांग एक हफ्ते के अंदर पूरी नहीं होती है, एक हफ्ते के बाद मैं अमरा ननसन पर जाने को बाध्य हो जाऊंगा, जिसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार की और जिला प्रशासन की। क्या नाम है? लक्ष्मण कुमार झा, बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के महासचिव, संगठन प्रभारी एवं जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष।